हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लेडर। आज हम देखने जा रहे हैं 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सी या टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ सी। सी लैंग्वेज जिस भी सिलेबस में है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं उन्हें आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उस एग्जाम्स में आप ये मानकर चलिए कि 80-90% क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं से आते हैं और ऑलमोस्ट ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इन 10 क्वेश्चंस की हम तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में हमारा पैर होना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में आपको समझाती हूँ, बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा टाइप इन सी, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये जो पहला क्वेश्चन है डेटा टाइप एन सी और दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटर, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, ये जो दो सवाल है ये इनमें से एक सवाल सी प्रोग्रामिंग के थ्योरी एग्जाम्स में अवश्य ही पूछा जाता है। आप 100% गारंटी के साथ इन दोनों में से एक सवाल, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। व्हाट इज डेटा टाइप इन सी, एक्सप्लेन इन डिटेल, एंड व्हाट इज एन ऑपरेटर, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो डेटा टाइप और ऑपरेटर, ये दो क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। डेटा टाइप हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स है आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं, मैंने डिटेल में समझाया है कि कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं और हर प्रकार के डेटा टाइप के अंतर्गत और कितने विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स आते हैं। साथ में आप एक प्रोग्राम दे सकते हैं किसी भी एक डेटा टाइप का जिसमें उपयोग हो। दूसरा सवाल है, व्हाट इज एन ऑपरेटर, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। सी लैंग्वेज में 8 प्रकार के ऑपरेटर है, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये भी आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। और आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप जो लिखेंगे आंसर उससे आपके नंबर ऑफ पेजेस भी ऑक्यूपाई होंगे और आपका आंसर की लेंथ भी बढ़ेगी, साथ ही साथ बहुत कम समय में आप बहुत अधिक से अधिक लिख सकते हैं और सबसे इजी सवाल में से ये सवाल है। तो ऑपरेटर, आपको 8 प्रकार के ऑपरेटर को समझाना है, बाकायदा किन्हीं भी एक या दो ऑपरेटर के उपयोग से जो एक एग्जाम्पल बने उसे आपको प्रोग्राम आपको सी का देना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, देखिए डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो है बहुत सारे स्टेटमेंट का समूह है, ग्रुप है, इसके अंतर्गत कई स्टेटमेंट आते हैं। तो एग्जाम में अगर आपने डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट को तैयार कर लिया तो उसके अंतर्गत आने वाले किसी भी स्टेटमेंट को अगर पूछा जाए तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग के अंतर्गत आता है इफ स्टेटमेंट एंड देयर टाइप्स, जैसे इफ, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर। इसके अलावा आता है स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, इन्हें भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि इफ स्टेटमेंट और उसके प्रकार को समझाइए, स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्लेन स्विच स्टेटमेंट विद प्रॉपर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर, गो टू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, या ओवरऑल डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग तैयार कर लिया और उसके अंतर्गत सारे सब प्रकारों को तैयार कर लिया तो उनमें से जो भी प्रकार पूछा जाए आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फिर दूसरा है आपका, चौथा है आपका डिसीजन, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेन देयर टाइप। डिसीजन मेकिंग और लूपिंग, लूप जो है हमारे सी में 3 प्रकार के लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। इन तीनों लूप को आपने तैयार कर लेंगे तो डिसीजन मेकिंग और लूपिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। एग्जाम में अगर डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट के रूप में पूछे तो भी आप तीनों को बताएंगे, और अगर अलग से पूछ ले कि व्हाट इज व्हाइल स्टेटमेंट, व्हाट इज डू व्हाइल स्टेटमेंट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन while and do while statement, या what is for statement, तो इनमें से जो भी पूछे आप उन्हें भी explain कर सकते हैं। तो ये दोनों question अगर आपने तैयार कर लिया तो इसके अंतर्गत आने वाले जो types है उनको individually पूछा जाए तो भी आप explain कर लेंगे, और अगर अलग से पूछे, overall पूछा जाए तो भी आप explain कर लेंगे। इन दोनों को मिलाकर एक और question पूछा जाता है, what is control statement। decision making and branching और decision making and looping को हम control statement भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो ये चौथा और पांचवा क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ब्रांचिंग या फिर लूपिंग में से कोई ना कोई सवाल पूछा ही जाता है, तो इन्हें भी तैयार करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज एन एरे, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। एरे क्या है? एरे के विभिन्न प्रकार होते हैं, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। इन एरेस को भी पूछा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप को पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, व्हाट इज एन एरे, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहां पर भी हमें एरे के प्रकार को समझाना है उसके प्रॉपर सिंटेक्स के साथ, और फिर एग्जांपल देना है और एक प्रोग्राम देना है। इसके बाद है व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड देयर टाइप्स। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम जानते हैं, फंक्शंस क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, पूछा जाता है। अगर आता है तो हमें बताना पड़ेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, या फिर व्हाट इज फंक्शन करके भी पूछे तो भी आपको उसके अंतर्गत प्रीडिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन को बताना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन पूछे तो भी उसे बता सकते हैं। उसके प्रकार है रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के आधार पर चार प्रकार है, उन प्रकार के साथ प्रॉपर सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद प्रॉपर सिंटेक्स एंड एग्जांपल। स्ट्रक्चर भी सी का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उपयोग किया जाता है, उसका क्या सिंटेक्स है, उसका एक प्रोग्राम, ये सवाल भी पूछा जाता है। फिर है व्हाट इज पॉइंटर, एक्सप्लेन देयर ऑपरेटर्स। पॉइंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर में उपयोग होने वाले जो ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर, इनको आपको समझाना है और साथ ही साथ उनके सिंटेक्स और एग्जांपल्स को लिखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग। आपका जो सी का सिलेबस है उन सिलेबस को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। ओवरऑल जो बेसिक सिलेबस है उनमें इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जिसमें आपका अगर पोर्शन में फाइल हैंडलिंग है तो फाइल हैंडलिंग से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग। इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा, आप प्रोग्राम तैयार करेंगे ही, फाइल हैंडलिंग है क्या वो तैयार करेंगे ही, उसके अंतर्गत आने वाले जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जिनका यूज हम फाइल हैंडलिंग में करते हैं उन्हें भी आप तैयार करेंगे ही। तो इससे कैसा भी सवाल पूछा जाता है तो आप इसके आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है शॉर्ट नोट्स में, कई बार कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, जैसे जो डिफरेंट प्रकार के आपके लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, उनमें से कोई स्टेटमेंट को शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया, एरे के टाइप को शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया, ऑपरेटर के किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया। तो शॉर्ट नोट्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर जो बेसिकली शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते हैं उनको मैंने 10वें नंबर पर रखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, डिफाइन करके भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन है वो है कीवर्ड, कीवर्ड्स इन सी पूछा जाता है, जो हमारे कीवर्ड्स यूज होते हैं सी में वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है, या फिर वेरिएबल, या फिर टोकन्स, टोकन के अंतर्गत आपका कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, सारी चीजें आ जाती हैं, तो टोकन को भी पूछा जा सकता है। एक टॉपिक हमारे सी में होता है स्ट्रिंग हैंडलिंग, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हें भी ऐसा पूछा जाता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, या पर्टिकुलर फंक्शंस के नाम लिख देगा उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट, स्कैन एफ स्टेटमेंट, ये दोनों ही भी पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज होने वाले प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, जिनको अलग से शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम्स में ये मानकर चलिए कि 80-90% आपके इन्हीं में से सवाल आने हैं और आप एग्जाम्स में सभी क्वेश्चंस को अपेयर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तैयार करने के साथ साथ इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि सी प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को जब आप लिखते हैं तो उसमें उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन के साथ साथ प्रॉपर सिंटेक्स और प्रोग्राम, जिसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, वो देना बहुत जरूरी है, वही आपके आंसर के वेटेज को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम्स में आप भली भांति नंबर गेन कर सकते हैं।